अंडर करंट है और लोगों में बहुत ही ये भावना है कि हमारी बात नहीं हुई है। ऐसे वो बनाऊंगा भाजपा के जितने भी नेता और महंगाई उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है और लोग उग चुके हैं, लोगों की बहुत समस्याओं का सामना कर रहे हैं। रोज इंडिया गठबंधन के समर्थन में सबसे बड़ा मुद्दा क्या काम कर रहा है प्रियंका जी? हम सिर्फ जनता के मुद्दों पर बात कर रहे हैं शुरू से। हमेशा हमारा परिवार देश के हित में बात करता है, देश के हित में अपनी मेहनत करते हैं, देश के जो लोग हैं जो भी उनकी मुश्किलें हैं उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। जहां से चाहे बीजेपी जो भी अपने नाकामियां वो हटाने की कोशिश करते हैं या मेरे ऊपर ईडी का समन्स लगाएंगे या आईटी का प्रेशर लगाएंगे या जो भी दुरुपयोग होगा उसका कोई माननीय नहीं बनता, उसका कुछ कोई बिलीव नहीं करता है। तो मैं जरूर देखता हूं कि जनता बदलाव चाहती है और ये जनता का समय है। मैं उनसे विनती करता हूं कि वो बाहर आएं और जो बदलाव चाहते हैं, जो परेशान हैं, बहुत समय से मैं देख रहा हूं, जो चाहते हैं कि बेरोजगारी से और महिला की सुरक्षा, आपने देखा था कि जो प्रज्वल रवन्ना जो किया है और कोई रिजल्ट नहीं आया है, तो महिला की सुरक्षा बहुत जरूरी है। जी जी सर, परिवार के साथ आए, आपको दक्षिण में पहली बार वोट डाला है, क्या कहेंगे सर? मैं बहुत खुश हूँ कि मिराया अपने कॉलेज छोड़ के आई है अभी 3-4 दिन के लिए कि अपने वोट करें, और जरूर यूथ का यही है कि बदलाव होना चाहिए और ये उनका समय है और सबको बाहर निकलना चाहिए और वोट डालें और इंडिया गठबंधन को एक मौका दें और प्रगति और देश को प्रगति और के तरफ जाएंगे। प्रियंका गांधी के साथ आए, किसको प्रधानमंत्री देखते हैं? वो देश चुनेगी, गठबंधन चुनेगा और मुझे लग रहा है हाँ तो गठबंधन चुनेगा और मैं खाली मुझे पता है कि राहुल देश के लिए देश के हित में करेंगे काम और जो राजीव जी का सपना था वो पूरा करेंगे।